अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसको सीख रहे हैं लेयर्स के ऊपर काम करने के, लेयर्स को किस तरह से इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। तो लेयर्स को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे सामने लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाएगा और उसके अंदर आप डिफरेंट लेयर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। अब इसके ऊपर पहले से जो लेयर्स बनी हुई है नजर आ रही है, डिफरेंट लेयर्स बनाने के लिए आपको ये करना होगा कि यहाँ से क्लिक करना, न्यू के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। जैसे कि इस लेयर का नाम आपने रख दिया बाउंड्री, तो बाउंड्री के नाम से एक लेयर बना दी। और उसके बाद आपने और भी लेयर्स बना ली, जैसे बाउंड्री बना ली, डोर्स की लेयर्स बना ली, विंडोज की लेयर बना दी, ठीक है। और उसके अलावा मेजरमेंट्स की लेयर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर लेयर्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको आसानी ये होगी कि आप हर चीज को अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। अभी तो बात होता है देखेंगे, एक चीज को सिलेक्ट करना है, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, तो वो मसला आपका हो जाएगा। इसके बाद आप इनको अलग अलग कलर्स में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाउंड्रीज का कलर कुछ अलग किस्म से चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है व्हाइट के अलावा आप यहाँ पर जैसे आपने बाउंड्रीज का कलर एक स्कीम बनाने के क्या रखना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप बाउंड्रीज का कलर जो है यहाँ से ये ले लेते हैं और उसको कलर हो गया, इसका कलर हो गया, ठीक है। यहां से हमने इन सबको ऐड कर लिया। अब अप्लाई कर देंगे, सारी चीजें अप्लाई होंगी। अब ये कि कौन सी चीज को किस लेयर पर डालना है वो किस तरह से होगा। अब ये तो तरीका इस तरह होता है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर आप ये सारी लेयर का नजर आ रही है, डोर्स वगैरह एवरीथिंग, तो सबसे पहले चलिए अगर बाउंड्रीज को सिलेक्ट करते हैं, दोनों बाउंड्रीज सिलेक्ट करके उसका बाउंड्रीज की लेयर पर डालना, तो यहाँ पर आप जो है क्लिक करके जैसे ही बाउंड्रीज की सिलेक्ट करेंगे लेयर पे, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसका कलर ब्लू हो गया और ये अब बाउंड्रीज की लेयर पर सेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपके क्या है, बाउंड्रीज के बाद इन साइड वॉल्स भी है, मतलब अंदर की दीवारें हैं और डोर्स है। अभी हम डोर की डोर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको हम डोर्स की लेयर पे डालते हैं, तो सबसे पहले आपके सारे डोर्स को सिलेक्ट करने हैं, पहले ऐसे सिलेक्ट कर ले, जो भी सिलेक्शन है वो पूरी तरह आ जानी चाहिए। ये मैंने इसको यहां से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, पहले दोनों को शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां से मैंने दोनों को सिलेक्ट करके डोर्स के लेयर पर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शंस को खत्म करके और अब दूसरे डोर्स को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले डोर्स है। आप इसको मजीद और अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा ड्राइंग रूम डोर्स और हर चीज को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसको इस तरह से बता रहा हूँ कि इनको किस तरह से करना है। यहां से क्लिक किया और दोनों डोर्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सर यहां से स्केप कर दिया और दोबारा से नॉर्मल होगा। उसके बाद आपने यहां से अपने मेन गेट को जो है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और यहां से इसको डोर से लिया और स्कैन करके सिलेक्शन खत्म कर लेना। और कहां पे डोर है हमारे, ये दो डोर्स, अगर ये काम आप साथ साथ भी करते जाए, मतलब जिस टाइम बना रहे थे उस टाइम भी करते जाए, तो भी आपके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। ये देखिए, मैं बड़े आसानी से सारे डोर्स को इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये रहती है बात, वैसे बाउंड्रीज के अंदर अगर इनसाइड वॉल्स को भी आप कन्वर्ट करते हैं तो भी ठीक रहेगा। और जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने ये बीच वाली लाइन खत्म नहीं की थी, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अगर तो हम उसको यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हैं ताकि दीवारें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर कुछ लाइंस जो है वो थोड़ी सी बड़ी भी आ रही है यहाँ पर, तो उनको आप एक ट्रिम कमांड के जरिए भी रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, ये यहां से हम इसको दीवारें बिल्कुल क्लियर होगी, ये जो पॉइंट्स है तो भी क्लियर कर ले, और ये जो थोड़ा सा ट्रिम हो रही है कमांड से ट्रिम करके तो कर दिया। ठीक है,
तो ये आपकी जो दीवारें हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब ये जो अंदर की दीवारें हैं इनका क्या किया जाए, तो इनको भी आप इसी तरह से और वहां पर भी आई इस तरह से ठीक है, ये भी फिल्म हुआ, ये भी दीवार का ही पार्ट है बल्कि ये बाउंड्री वॉल का ही पार्ट है, तो इसको भी यहां से सेलेक्ट करके बाउंड्री पे डाल दें ठीक। और जो भी मेजरमेंट्स उनको सेलेक्ट करके, जैसे मेजरमेंट्स इनको सेलेक्ट कर लें, जितनी भी जहां पर भी आपने मेजरमेंट्स यूज की है किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, और उनको आप मेजरमेंट्स बना लो ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? तो आई थिंक देखें आपका जो मैप है वो जरा अट्रैक्टिव भी होता जा रहा है, मतलब दूर से दिखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और साथ साथ जो है उसके अंदर एक हर चीज अलग अलग भी वाजे होती जा रही है। ये देखिए अंदर की दीवारें बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा विंडोज को भी हमने जो है वो शिफ्ट करना है। ठीक है विंडोज भी हुई शिफ्ट, और इस तरह स्टेयर्स और एनोमेशन की भी आप जो है यानी कि इनकी भी एक एक लेयर बनाकर दोबारा से लेयर मैनेजर खोल के जैसे लेवल्स की एक लेयर बना ले और उस पर क्लिक करके उसका कलर रख ले ठीक है। लेवल्स को शिफ्ट कर ठीक है, ये सारे के सारे लेवल्स को शिफ्ट कर, ये मेजरमेंट्स पर है और ये आ गया आपका ये तो इनसाइड वाला ठीक। तो इस तरह से आपका जो मैप है वो डिफरेंट लेयर्स पे डिवाइड हो सकता है। अच्छा बाद में आप इनके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, और अगर स्टेयर्स की एक लेयर नहीं बनाई है तो स्टेयर्स की एक लेयर बना लो और उसका भी कलर रख लो। और स्टेयर्स को यहां से आप पूरे के पूरे काम को लेयर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा लेयर पे कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है, अभी इनसाइड वॉल्स को हमने नहीं किया है उसको भी कन्वर्ट करना था। एडवांटेज ये है कि अब आपने अगर किसी चीज पे काम करना है तो उस हिस्से को ये जो लेयर्स है इसमें देखेंगे ये लॉक और अनलॉक कर ले इसको अच्छी तरीके से, फ्रीज अनफ्रीज ऑन ऑफ ये सारी चीजें देंगे ठीक है। तो अब यहां पर आपको तो भी सारा काम कर लेना है, मैंने शुरू से करेंगे तो आपको बड़ा आसान रहेगा कि लेयर बना के उस पर क्लिक करके जो जो चीजें ड्रॉ करें वो डायरेक्टली इसके ऊपर बन जाएंगी। अब अगर आप किसी चीज को लॉक कर देते हैं, जैसे कि अभी आप डोर बाउंड्री वॉल को लॉक कर देते हैं
या डोर को लॉक कर देते हैं, यहाँ से आप डोर्स की लेयर को आप जाके यहाँ से कर देते हैं लॉक और इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो अब आप इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और इनको मूव भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि अगर इसको जैसे कि देख रहे कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं इसके साथ, और अगर मैं इसके साथ इसको जब ये लॉक कर दिया मैंने, देखिए जितनी डोर की लेयर लॉक है ये, और मैं इसको डिलीट का बटन दबा रहा हूँ तो ये डिलीट भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप ये सिलेक्शन व्यू बना रहे हैं तो अब अगर आप इसको मूव करते कौन सा हिस्सा मूव हो रहा है, वॉल्स मूव हो रही है, डोर मूव अपनी जगह से नहीं हो रहा, ठीक है। यही सबसे इसकी खूबसूरती है, जैसे कि फोटोशॉप वगैरह में या इलस्ट्रेटर में आपने करके देखा कि यही इसकी खूबसूरती है कि उस लेयर पे वो चीज लॉक हो जाती है और फिर वही मूव होती है। तो यहां से एक तो कॉन्सेप्ट इसका हमें ये मिल जाता है, फिर एक कैन नॉट फ्रीज करंट लेयर, फ्रीज का मतलब ये कि वो किसी लेयर को यूज नहीं कर सकते, आगे काम नहीं कर सकते। अच्छा, जिस लेयर पे आपने काम करना है उस पर क्लिक करना है और फिर जो है उसको जो है आप क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे आप उसके ऊपर काम करेंगे, मतलब नेक्स्ट चीज सारी उसके ऊपर ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेटी सही है इसकी, और डिफॉल्ट कलर वगैरह डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये प्लॉटर जिसके ऊपर से आप प्रिंटर में से चेक हटा देंगे तो प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ये उस तरह के ऑप्शन है। और सेकेंड इसके अंदर जो ऑप्शन है, हाँ ये जो ऑप्शन है इसके अंदर देखें डाउट्स में जाके, ये है विजिबल इनविजिबल के ऑप्शन, के जब प्रिंट प्रीव्यू में कौन सी चीज नजर आए या नजर ना आए, ऑन ऑफ के ऑप्शन है इसके हवाले से। और उसके आगे जो हमारे पास है स्टेटस, जिस पर आप डबल क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी लेयर को डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, और किसी ऑप्शन लेयर को अगर आपने डिफॉल्ट करना है तो उस पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देना है वो डिफॉल्ट होगी। तो डिलीट भी यहाँ न्यू लेयर चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके न्यू लेयर भी आप ले सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑप्शन है आपको ज्यादातर हेल्प करेंगे आपको नेक्स्ट जब आप आएंगे क्या कहते हैं 3D मॉडल में, तो उसमें आपको हर चीज को अलग अलग लेयर के ऊपर जो है वो मैनेज करना होगा और उसी तरीके से वो काम कर सकेगा, ठीक है। तो ये था इसके हवाले से, लेयर के हवाले से। तो लेयर्स में आप अपने सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आपकी ड्राइंग बहुत आसान रहे और इजीली नजर आए। तो ये हमारा लेयर्स का भी कंप्लीट हो गया।